दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, क्या आप वही पुराने स्टाइल में राइस खा खा कर बोर हो चुके हैं? लेकिन जब भी किसी रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस खाते हैं तो आपको बड़ा स्वाद आता है। तो चलिए, अपने इस स्पेशल फूड सेगमेंट पे आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस बनाने का तरीका बताते हैं, ताकि आपको वही बोरिंग और सिंपल राइस ना खाने पड़े। तो चलिए, बिना देर किए आपको ले चलते हैं अपने शेफ के पास, जो आज आपको टेस्टी फ्राइड राइस बनाने की इजी रेसिपी बताने वाले हैं, जिससे आप घर पर बैठकर ही रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस खाने के मजे ले सकते हैं। I am Seb Kesab from Hyatt Regency Gurgaon. So today I am going to show you how to make fried rice. It's simple way. It's very everything what you need is everything is here. Carrot, beans, spring onion, almond powder, sugar, black pepper. Salt, soya sauce और राइस। So इसके इंग्रेडिएंट रेडी है हमारे। तो एक हम पैन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे पैन गर्म होगा हम लोग तेल डालेंगे इसको। जो नॉर्मल तेल है नॉर्मल तेल यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल डाल के पहले सौते करेंगे। जैसे कि हमने डाला ये कैरेट, डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो ज़्यादा, जब वेजिटेबल खाने का मन हो तो ज़्यादा वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं। ये 20 ग्राम बीन्स, इसको हम सौते करेंगे। ताकि इसको हम लोग सौते अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि इसका जो कच्ची फ्लेवर हो, वेजिटेबल की फ्लेवर हो, वो तगड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग ना आए। इसके लिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से सौते करेंगे, ताकि राइस डालने के बाद इसको राइस और वेजिटेबल दोनों का टेस्ट इसको अच्छी तरीके से हम लोग सौते करेंगे। अब ये राइस को बेसिकली हम लोग वेजिटेबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, कैरेट। अगर स्पाइसी खाना मन हो तो हम लोग चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं फ्राइड राइस में। अनियन, गार्लिक, जो भी फ्लेवर हम लोग चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। और राइस का भी ये ऑलमोस्ट हो गया है अच्छी तरीके से सॉल्ट करने को। हम लोग अगर राइस ऐड करेंगे अच्छी तरीके से हम लोग पीस करेंगे, सीजनिंग करेंगे। अभी जैसे कि ये हमें वेज आरमा है, कहीं भी मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा। शुगर, सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे, थोड़ा सा सॉस लाइट सोया सॉस टच करेंगे, ताकि जो लाइट सोया सॉस हम लोग डालेंगे तो अच्छे से इसको फ्लेवर और साथ के साथ में कलर भी आपको अच्छा सा राइस का कलर अच्छा। अगर आप बिना सोया सॉस डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टॉक ऐड करेंगे ताकि अच्छे से सॉल्ट शुगर मिक्स हो जाए। सो बस रेडी फ्राइड राइस। बस रेडी हो गया। अब स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे हम लोग लास्ट में, ताकि जो स्प्रिंग ऑनियन का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा मिलेगा फ्राइड राइस में। मिक्स करेंगे, निकालने से 1 मिनट पहले डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया आपका फ्राइड राइस।
केवल राइस बीज आपके फ्राइड राइस। दोस्तों शेफ से आपने फ्राइड राइस बनाने की पूरी रेसिपी तो जान ही ली है, तो अब फ्राइड राइस खाने का मन हो तो बाहर क्यों भागना, अब तो आप घर पर ही फटाफट टेस्टी फ्राइड राइस बना सकते हैं, जिसे आप खुद भी खा सकते हैं और घर पर आने वाले मेहमानों को भी खिला सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपी जाननी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपके लिए एक से एक बढ़कर एक रेसिपीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।